हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हूं। दोस्तों, मान लीजिए आपका इनफिनिक्स का कोई भी फ़ोन हो, दोस्तों अचानक आपका टच काम करना बंद कर देता है, या आप अचानक डिस्प्ले से ग्राफिक आना बंद हो जाता है, या आपका माइक, स्पीकर, रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद कर देता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक बार अपने फ़ोन को रिबूट और रिस्टार्ट करना है। मान लीजिए आपका टच नहीं काम कर रहा तो आप रिबूट और रिस्टार्ट नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा कि आप अपने फ़ोन को रिबूट और रिस्टार्ट कैसे करोगे दोस्तों। तो आपका इनफिनिक्स का कोई भी फ़ोन हो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसके लिए आपको क्या करना है, पावर बटन को 10 से 15 सेकंड तक लगातार आप प्रेस करके रखोगे तो आपका इनफिनिक्स का कोई भी फ़ोन हो ऑटोमेटिक रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक हमारा फ़ोन चलते चलते हमारे फ़ोन का अचानक टच काम करना बंद कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे डिस्प्ले पे ग्राफिक आना बंद हो जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा माइक, स्पीकर, रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद कर देता है। तो अचानक से आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, जैसे आपका मोबाइल लोगों पर हैंग हो जाए, तो मतलब आपको क्या करना है, एक बार अपने मोबाइल को रिबूट और रिस्टार्ट करना है। और रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए क्या करना है, केवल आपको पावर बटन को लगभग 10 से 15 सेकंड तक लगातार आप प्रेस करके रखोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका हैंगिंग प्रॉब्लम जो भी रहेगा वो सही हो जाएगा। आप करके देख लीजिए दोस्तों, यदि आपके फ़ोन में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो। चलिए, यहाँ पे हमारा टच पहले नहीं काम कर रहा था, और अब देख लीजिए दोस्तों हमारा टच काम करने लगा है दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।